ये सॉक्स के लिए ये मैंने दो रंगों की वूल ली है और ये दोनों बेबी वूल है। ये सॉक्स में ये दोनों वूल्स को ऐसे डबल करके बुनाई करूँगी और ये मैं 7 नंबर की सलाई से बुनाई करूँगी। अब मैं ये हमने धागे को डबल कर लिया है और ये दो रंगों का धागा है तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे एक लूप बना लेनी है। अब हम डबल धागे से फंदे डालेंगे। ये मैंने 44 फंदे डाले हैं डबल धागे से। अगर आप सिंगल धागे से फंदे डालेंगे तो आप 50 फंदे डाल लें। और ये हमने फंदे पैर के हिसाब से नहीं डालने, ये हम फंदे अपनी लेग के हिसाब से डालेंगे। इसमें पैर के हिसाब से फंदे नहीं डालेंगे हम। तो मैंने फंदे डाल के एक सलाई उल्टी साइड से उल्टी बुनाई कर ली है। ये हमारी सीधी साइड है। अब मैं आपको ये बनाना बता रही हूँ। हम जैसे बॉर्डर बनाते हैं वैसे बनाना है। दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। ऐसे ही हमने ये सारी सिलाई कंप्लीट करनी है। अब हम ये रॉन्ग साइड आ गए, उल्टी साइड। जो फंदे हमने पहले सीधे बुनाई किए थे वो उल्टे बुनाई करेंगे और जो उल्टे बुनाई किए थे वो हम सीधे बुनाई करेंगे। तो हम पहला फंदा उतार लेंगे। अब हम एक फंदा उल्टा, आप चाहें तो पहला फंदा बुनाई भी कर सकते हैं। दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। ऐसे ही हमने ये सारी सिलाई कंप्लीट करनी है। अब हमने ये सारा, जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, सीधी साइड से हमने जो फंदे उल्टे थे वो सीधे बुनाई करेंगे और जो सीधे थे वो उल्टे बुनाई करेंगे। सारा कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तकरीबन यहाँ से लेके हम नापेंगे तो यहाँ तक ये 29 सेंटीमीटर है। 11.25 इंच का हमने ये बना लिया है। अब मैं आपको इसको आगे बताती हूँ हमने कैसे बनाना है। ये हमारी सीधी साइड है।
तो अब हमने ये हमारे दो फंदे उल्टे हैं, तो ये दो फंदों का हमने एक फंदा ये उल्टा बनाना है। अब हम फंदे घटाएंगे ऐसे, फिर धागा पीछे करेंगे। ये दो फंदे हमारे सीधे हैं, ये दो फंदों को हमने ऐसे सीधा घटाना है। ये दो फंदों का एक फंदा किया, फिर हम धागा आगे करेंगे। ये हमारे दो फंदे उल्टे हैं, तो ये दो फंदों को हमने उल्टा दो फंदों का एक बनाना है। फिर धागा पीछे करेंगे, ये दो फंदे हमारे सीधे हैं, इन दो फंदों को हमने एक फंदा बनाना है और ये हमने सीधा घटाना है। ऐसे हमने ये सारे फंदे बंद करने हैं। ये दो दो फंदों का हमने एक फंदा बनाते जाना है, उल्टे फंदों को हमने उल्टा घटाना है और सीधे फंदों को हमने सीधा घटाना है। अब हम ये रॉन्ग साइड आ गए। पहला फंदा हम उतार लेंगे, ये फंदा यहाँ पर उल्टा है, तो यहाँ पर हम ये देखिए ये सीधा दिखाई दे रहा है, तो हम ये सीधा बुनाई करेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ऐसे ही हमने ये सारी रो कंप्लीट करनी है। हम ये सीधी साइड आ गए, राइट साइड। अब फिर से हमने फंदे घटाने हैं। अब हमने ये पहला फंदा उतार लेंगे, अब धागा पीछे करेंगे। अब हम ये सारे फंदे सीधे सीधे घटाएंगे, ये दो दो फंदों का हम एक फंदा बनाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे एक, फिर नेक्स्ट दो फंदों को लेंगे और दो फंदों का हम एक बनाएंगे ऐसे, फिर नेक्स्ट दो फंदों का हम एक बनाएंगे। ऐसे ही हमने अब ये सारे फंदे बंद करने हैं। और आखिर का एक फंदा हम सीधा बुनाई कर देंगे। अब हम ये रॉन्ग साइड आ गए, ये सारी सलाई उल्टी बुनाई कर देंगे। ये देखिए हम सीधी साइड आ गए। अब फिर से हमने दो दो फंदों का एक फंदा बनाना है। पहला फंदा हम उतार लेंगे, देखिए ऐसे दो फंदों का एक बनाया, फिर हमने दो फंदों का एक बनाया, फिर से दो फंदों को हमने एक बनाना है, इसे दो फंदों का एक बनाया, ये दो फंदों का हमने एक बना लेना है। आखिर का एक फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। हमारे ये सलाई पे एक दो तीन चार पाँच छः सात फंदे रह गए। रॉन्ग साइड से ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे।
ये देखिए, ये हमारा अब शू बनके तैयार हो गया। अब मैं आपको इसको सिलना बताऊंगी। अब हम ये वाला धागा काट देंगे और इन्हीं दो धागों को हम सुई में डाल लेंगे। अब हम ये सारे फंदों को इस सुई में डालेंगे। और अब हम इसको यहाँ पर पक्का कर देंगे। ये यह हमारे यहाँ पर राउंड शेप आ गई। अब हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करेंगे। हमने पैर में डालते ही इस सॉक्स ने अपनी शेप ले ली। ऐसे ही आप इस खूबसूरत से सॉक्स को अपने लिए बनाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।